चुनाव प्रचार के दौरान यहां उन्होंने एक रैली को भी संबोधित किया। इस रैली में पीएम मोदी ने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए बताया कि वह जनता की सेवा करने के लिए पैदा हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि उनका सपना केवल जनता के सपनों को पूरा करना है। रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मुझे देश ने और आप सब ने इतना आशीर्वाद दिया है, शायद कोई इंसान अपने जीवन में ऐसी कल्पना तक नहीं कर सकता है कि ईश्वर रूपी जनता जनार्दन इतने आशीर्वाद बरसाए और लगातार बरसाए, और वर्षों से यह आशीर्वाद बढ़ता ही जा रहा है। जीवन में इससे बड़ा संतोष क्या होता है। यहां इतनी बड़ी संख्या में आप सब हमें आशीर्वाद देने आए हैं, माताएं बहनें भी बहुत बड़ी संख्या में आई हैं। इस समय तो घर में माताओं बहनों को बहुत काम रहता है, खाना पकाना, घर के काम करना, ये सब छोड़ के इतनी बड़ी तादाद में आप आए हैं। ऐसा लग रहा है ये मेरा परिवार आज मुझे उनके दर्शन करने का अवसर मिला है। साथियों, मुझे देश ने इतना आशीर्वाद दिया है, आप सबने मुझे इतना आशीर्वाद दिया है, शायद कोई इंसान अपने जीवन में ऐसी कल्पना तक नहीं कर सकता है, शायद दुनिया में कोई इंसान कल्पना नहीं कर सकता है कि ईश्वर रूपी जनता जनार्दन इतने आशीर्वाद बरसाएं और लगातार बरसाएं और सालों साल ये आशीर्वाद बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए। जीवन में इससे बड़ा संतोष क्या होता है। मेरे प्यारे देशवासियों, आप भी जानते हैं, अगर पद की लालसा हो, प्रतिष्ठा की लालसा हो, पीएम पद की लालसा हो, तो एक बार इंसान पीएम के शपथ ले ले, फिर उसके जीवन में वो ऊंचाई तो प्राप्त हो ही जाती है, इतिहास में नाम दर्ज हो ही जाता है। तो फिर लोगों को लगता है कि मोदी जी दो दो बार पीएम रहे, दुनिया में इतना नाम हो गया। अरे कभी तो आराम करो। लेकिन